शहर के विजयनगर रोड स्थित कुत्तों के नोहरे के निवासियों ने कब्जेशुदा भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर कुत्तों के नोहरे के निवासियों ने जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि हमारे पूर्वज जो उस समय नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, इस दौरान परिषद प्रशासन ने कुत्तों की देखभाल के लिए उन्हें नियुक्त करते हुए कुत्तों के नोहरे में ही निवास करने की स्वीकृति जारी की थी। ज्ञापन में बताया गया कि उसी समय से लेकर आज तक उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहां निवास करता आ रहा है और समय समय पर मकानों की मरम्मत तथा रंग रोशन भी करवाता आ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिनों नगर परिषद प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही नोहरे की दीवार को ध्वस्त कर दिया। यहां के निवासियों ने बताया कि प्रशासन यहां पर गायों के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए चिन्हित की जा रही है। ज्ञापन में नोहरे के निवासियों ने कब्जाशुदा भूमि के पट्टे दिलवाने की भी मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सागर जावा, शिवानंद, रतनलाल, गोपाल, धनराज, सुशील, कुलदीप, सुनील, संजय, आदित्य तथा सोनी जावा सहित अन्य शामिल रहे। नोरा के विषय में, कुत्ते का नोरा जो हमारे पूर्वजों के टाइम से हम वहाँ पे रहन बसेरा कर रहे हैं और उनकी उस टाइम कुत्ते वगैरह की वो उन्हीं की सेवा के लिए दिया गया था। अब 11 तारीख को नगर परिषद द्वारा कुत्ते के नोरे की दीवार को ध्वस्त करके वहाँ सफाई हो गई करवाई गई और बिना हमारे को कुछ नोटिस या कुछ परमिशन के बिना उन्होंने अंदर घुस के वो तोड़ ध्वस्त दीवार वगैरह ध्वस्त करी, तो हमें हमारे मकानों की परवाह के चक्कर में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उन्होंने हमें ना आश्वासन दिया, केवल कोई लिखित वगैरह में नहीं दिया है कि हम आपके मकानों को ध्वस्त नहीं करेंगे और हमें कोई नोटिस वगैरह इसका नहीं दी गया है, तो हम इसी के लिए कलेक्टर साहब से आज अपना न्याय की गुहार के लिए यहाँ आए हैं।